स्वागत है आप सब का इस सैगमेंट दे चे। इस सैगमेंट दे चे गलबात करांगे शायरी दी दुनिया बारे एक शायरा दे नाल। मेरी मुराद है नुजहत आजाद तो जो साडे स्टूडियो च गलबात करने लई मौजूद ने। जी नुजहत जी स्वागत है आपका। जी सत श्री अकाल जी। सो आप शायरा हैं, शायरी करती हैं, तो शायरी क्या है आपके अनुसार? शायरी ये कि आपके ऊपर आपके जो एहसास हैं और जज्बात हैं और आप उनको किसी लफ्ज़ों के मोती में पिरोना चाहते हैं और सफ़े करतास पर बिखेरते हैं, तो वो लफ्ज़ों का रूप धारने के लिए एक नज़म और नसर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। आपका शायरी से लगाव कैसे हुआ? शायरी मुझे विरसे में भी मिली है। मेरी खाला बहुत बड़ी शायरा थी, रज़िया अनवर अमरोही, वो मेरी इसलाह करती थी। उनके शायरी ज़ौक़ से मैं बहुत मुतासिर थी। फिर मेरे दादा हैं, वो भी शायर थे, तो वो भी मेरी इसलाह करते थे। और हमारे ख़ानदान में रईस अमरोही और जॉन एलिया और ये सब हमारी फैमिली ही के थे। नुज़ जी, आप किस शायर की शायरी से ज़्यादा प्रभावित हो? गालिब तो मेरे बहुत पसंदीदा शायर हैं। इसके अलावा मीर तकी मीर, सौदा और अल्लामा इकबाल, इन सब की शायरी भी पसंद है जी। तो आप एंकरिंग भी करते हैं, मैंने देखा आपको जो शायरी के प्रोग्राम होते हैं अच्छी एंकरिंग करते हैं, तो कोई शायराना अंदाज में हो जाए कुछ? अच्छा, आपने एक छोटी सी गज़ल पेशे खिदमत है जी। हुस्न ने वारदात कर दी है, आंखों आंखों में बात कर दी है, दिन को वादा किया था मिलने का, आज फिर उसने रात कर दी है, था जाम हमको अपने पर, उसने फिर शाह मात कर दी है, अपने पास था कुछ नहीं नुजहत, पेश उसको अपनी जात कर दी है। जैसे आपकी शायरी से सुनने को मिल रहा है, अक्सर सुना है जो शायर होते हैं कोई ना कोई उसके पीछे किसी का हाथ होता है, कोई ना कोई कारण होता है, क्या आपकी लाइफ में कोई कारण है ऐसा? शायरी मैंने जैसे बताया आपको विरसे में मिली है, मैंने अपने घर में शेरी माहौल देखा है, तो उससे भी मैं बहुत मुतासिर थी। और बचपन से मतलब मज़ामीन पढ़ने का शौक़ था, रिसाले किताबें शेरी मजमूए पढ़ने का शौक़ था, तो उसकी वजह से। सो अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? अंत में मैं एक शेर से इख्तिताम करना चाहूँगी, ख्वाहिशें बेतमाम होती हैं, हसरतें बेलगाम होती हैं। ख्वाहिशें बेतमाम होती हैं, हसरतें बेलगाम होती हैं, जिनके होठों पे मुस्कुराहट हो वही आंखें उदास होती हैं। क्या बात है, हसरतों की बात बहुत अच्छी की है। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसें, इतनी ही जगह कहाँ है इस दिले दागदार में। बहुत खूब जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जे तुसी इस प्रोग्राम विच कोई इश्तेहार देना चाहते हो जां कोई सुझाव देना चाहते हो तो स्क्रीन ते दित्ते नंबरां ते इस प्रोग्राम दे निर्माता अते निर्देशक जरनैल बसौता नूं संपर्क कर सकते हो। सो एसी साडा अज दा प्रोग्राम, अगले हफ्ते फिर मिलांगे। सत श्री अकाल।